नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी अरहर की दाल, उसको भी अपने स्टाइल में। मैं उसमें क्या क्या डाल के कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। यदि आपको मेरा स्टाइल पसंद आए तो आप ट्राई जरूर करिएगा। ट्राई करने के बाद आप बनाते हैं, खा के मुझे उसका टेस्ट जरूर बताइएगा कि कैसा बना मेरे स्टाइल में अरहर की दाल। चलिए हम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं क्या क्या लगेगा। मैं छोटी कटोरी से एक कटोरी अरहर की दाल ली हूँ, उसको धो के भिगा के मैं रख दी थी। अब उसको मैं कुकर में ये डाल रही हूँ। एक ग्लास, इस ग्लास से मैं एक ग्लास इसमें पानी डालूंगी। एक ग्लास डाली हूँ, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, धनिया पाउडर आधी चम्मच, थोड़ा सा जीरा, कच्चा जीरा है, बहुत अच्छा लगता है इसी के साथ जब पक जाता है तो, थोड़ा सा हींग पाउडर और थोड़ी सी हम डालेंगे धनिया काट के जो रखे हैं, और हरी मिर्च यदि आप मिर्च खाते हो तो डाल सकते हैं, अन्यथा उसको स्किप कर सकते हैं। इसको लगा के सिम पे मैं 4 से 5 सीटी इसको पकाऊंगी। इसको मैं सिम पे पकने रख देती हूँ, पकने के बाद मैं आपको अपनी दाल दिखाती हूँ। और देखिए मेरी दाल अच्छे से पक गई है। अब मैं इसको मैश कर दूंगी, ऐसे हो गया। अब मैं निकाल के आपको सर्व करके दूंगी। दाल अच्छे से बन के तैयार हो गई। इसको आप बघार नहीं भी डालेंगे तो घी डाल के आप इसको खा सकते हैं, और नहीं तो मैं अपना मेरा वीडियो इसमें डाला हुआ है, बघार हम कैसे बनाते हैं ये मैं बना के रखती हूँ हमेशा दाल के ऊपर ऐसे डाल। तो बघार मैंने डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख लीजिएगा। और देखिए कितनी शानदार और बहुत अच्छी दाल बन के तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, खाइए मून्स किचन में। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। मेरे तरीके से बनाइए दाल और मुझे बताइएगा जरूर कि आपकी दाल कैसी बनी। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो।